दोनों बाप बेटे हाथ चलाए जा रहे हैं इसको बनाने के लिए। क्या बात है, फुल स्पीड में। बेटे ने बोला गाजर का नहीं, पापा ने बोला मिर्ची का। भाई लोग क्या हाल है, आज हम आए हैं अमर कॉलोनी की मार्केट में और यहाँ पे मिला हमें एक छोटा खिलाड़ी जो इतने बढ़िया बढ़िया छोले कुलचे बना देता है और ये इनका फादर है। दोनों बाप बेटे मिलके एकदम बढ़िया से छोले कुलचे बना देते हैं। तो पहले इन छोटे खिलाड़ी से बात करते हैं। भाई क्या नाम है आपका? राज। राज नाम है। क्या करते हो आप, छोले कुलचे बनाते हो? यस। पराठे बनाने आते हैं? पराठे नहीं, छोले कुलचे बना देते हो? बढ़िया से बना देते हो। क्या बात है, चलो फिर ऐसा करते हैं छोले कुलचे बनवा देते हैं। तो अभी कौन सी क्लास में हो? फाइव क्लास में हो। और स्कूल में मज़ा आता है? मज़ा आता है पढ़ने में मज़ा आता है। तो इनके फादर से ही बात करते हैं। भैया क्या हाल है आपके? बढ़िया सर। क्या नाम है आपका? अजय कुमार। अच्छा, तो ये शॉप जो है कितने टाइम से लगा रखी है? ये शॉप यानी कम से कम 60 साल पुरानी है। 60 साल 60 साल पुरानी। 60 साल के तो भैया आप ही नहीं लग रहे। नहीं नहीं, पहले मेरे ससुर जी लगाते थे, उसके बाद एक्चुअली फिर मैं बाद में आया हूँ। अच्छा ठीक है, मेरी शादी हुई है। हाँ, उसके बाद 20 साल बाद यानी फिर 20 साल मेरे को हो यहाँ पर। अच्छा, 20 साल तो आपको हो गए और 60 साल से चल रहा है। तो ससुर जी पहले चलाते थे? हाँ जी, पहले ससुर जी चला। क्या बात है, और एक नंबर की दुकान है। एक नंबर की दुकान है। अच्छा, फेमस दुकान है ये। अच्छा, तो ये यहाँ पर VIP छोले कुलचे मिलते हैं। अच्छा, और सारा कुछ नहीं, अच्छा मिलेगा, शाही पनीर दाल मखनी। अच्छा, सारा कुछ है। अच्छा, शाही पनीर दाल मखनी छोले कुलचे छोले पराठे छोले कुलचे और पराठे सारा कुछ है। क्या बात है, ये सारे आइटम मिल जाते हैं। और ये हमारे भाई बना देते सब? हाँ सारा कुछ। क्या बात है, तो फिर चलो ऐसा ऐसी कोई बात नहीं है एक्चुअली। हाँ। हम भी यानी फेमस हैं। क्या बात है, अमर कॉलोनी के अंदर यानी सबसे नंबर वन पे रेडी है। अच्छा, तो अमर कॉलोनी में लगती है? हाँ। अमर कॉलोनी में कहाँ पे? C1 के सामने। C1 मेन मार्केट में? हाँ, मेन मार्केट C1 के सामने। C1 के सामने। तो ऐसा करते हैं एक बना दो भाई फिर हमारे लिए छोले कुलचे। एक छोले कुलचे बना दो भाई। तो ठीक है, बढ़िया करके VIP तो नंबर वन की बनाना। तो भाई सबसे पहले कुलचा निकाल दिया एक। क्या ये अरे नहीं, और कौन सा कुलचा आपको नहीं फ्राई करके दी? ये कुलचा कौन सा है? ये मैदे का। हाँ मैदे का। अच्छा, क्या बात है भाई, ये भाई हमारे वो अभी फ्राई करेगा बढ़िया करके स्पेशल बनाएगा। अच्छा, तो ये अभी किसमें, घी में बटर कर रहे हो या बटर में कर रहे हो? बटर में मक्खन लगा के एकदम बहुत ही ज़्यादा से। तो भाई देखो हमारे ना कुलचे बिल्कुल रेडी होने स्टार्ट हो गए। देखो इतने छोटे छोटे हाथ से ये भाई हमारे बनाया जा रहा है। भाई बढ़िया है यार, ये भी कुछ अच्छा अलग ही टेस्ट है। तो अभी ये क्या कर रहे हो, थोड़ा क्रंची बना रहे हो इसको? यस। अच्छा, सॉफ्ट हो जाएंगे ना फिर चैनल का नाम। और यहाँ पे भाई कुलचे वही पलटे जा रहा है हमारा भाई। क्या बात है, VIP स्टाइल में बना रहे हैं हमारे भाई। आप कह रहे थे वैसे VIP है, तो VIP कौन कौन आ गया? VIP नहीं सर, यही बनाते हैं, मैं खुद नहीं, खुद तैयार करता हूँ यहाँ पर। अच्छा, छोले मैं खुद बनाता हूँ। अच्छा। और सारा काम मैं ही करता हूँ। अच्छा, सारा काम आप ही करते हो? हाँ, पर लेकिन बच्चों को मैं आने ही देता हूँ यहाँ पर। हाँ। ठीक है, ये भी बच्चे मेरे पढ़ने जाते हैं। हाँ, पर लेकिन एक्चुअली यानी अभी लॉकडाउन लगा पड़ा है। हाँ, तो इस वजह से थोड़ी सी यानी दिक्कत आ रही है। हाँ हाँ, क्योंकि दिक्कत किस बात की है? दिक्कत इस बात की है कि लॉकडाउन यानी ऊपर से जो जहाज आ रहे हैं, बाहर से पब्लिक आ रही है। क्यों आ रही है? बाहर की पब्लिक को रोकना चाहिए ना। सही बात है। चलो भाई लोग देखो हमारे ना कुलचे बिल्कुल रेडी हो गए। तो कुलचे बन गए ना, अब छोले बनाओगे? क्या बात है भाई, हमारा छोटा भाई छोले बनाएंगे। क्या चीज़? अच्छा, ओहो, तो सबसे पहले इसमें क्या ऑयल डाल दी? अच्छा, बटर डाल दिया है। और बटर भाई देखो गरम गरम लपटे निकल रही है इसमें से, धुएं की लपटे बहुत ज़्यादा बढ़िया तरीके से। तो ये यहाँ से क्या निकल रही है? ये प्याज निकाल रहे हैं। अच्छा, ये प्याज निकाले और प्याज डाल दिए इसमें। ओह, प्याज और फ्राई करेंगे। प्याज और हरा धनिया डाल दिया है। हाँ, सारा कुछ। अब इसको प्रॉपर फ्राई कर रहे हैं। ये निकल के आ भाई। क्या बात है, जो अरोमा आ रहे हैं भाई, एकदम स्मेल जो आ रही है ना, बहुत ज़्यादा टेस्टी आ रही है अभी से। प्याज को बटर में करके और हरा धनिया भी डाला हुआ है। धुआं आपको निकल रहा दिख रहा है ना, वो मेरे मुंह पे आ रहा है, तो प्रॉपर स्मेल आ रही है मेरे को अच्छी सी। जो अनियन है ना, वो प्रॉपर गोल्डन हो गए, गोल्डन ब्राउनिश हो गए, अब ये पक गए हैं। तो अब इसमें क्या, अब इसमें छोले डालोगे? यस। तो भाई यहाँ से देखो छोले निकाल दिए हमारे राज ने। हाँ, राजकुमार। ओ भाई, ये निकलना और ये पकने शुरू हो गए हैं प्रॉपर। ओहो, क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया तरीके से। और यहाँ पे भाई डाल दिए हैं, अरे बनाना बिल्कुल स्टार्ट। ओहो, क्या बात है। यहाँ हमारे पास भाई हमारे यहाँ पे टमाटर काट रहे हैं और इसमें थोड़े से टमाटर और डाल दिए कि थोड़ा सा देखो जो खट्टापन होता है ना, वो भी आ जाएगा टमाटर से। ठीक है, और अलग से अभी ये क्या डाला आपने? नींबू 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 डाल दिया है। अच्छा, तो खट्टास और थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी।
और ये भाई अच्छा अच्छे से पूरे मिक्स करे जा रहे, मिक्स करे जा रहे। तो अभी ये बन गए हैं, फिर अभी इसमें थोड़े मसाले और डालेंगे। मसाले और डालेंगे? अच्छा, इसमें मसाले डालेंगे अभी। तो ये भाई हमारे मसाले डालना स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, ये कौन सा मसाला डाला? गरम मसाला। गरम मसाला, फिर थोड़ा नमक डाल दिया है। क्या बात है भाई। और ये मिर्च डाल दी। क्या बात है, तीखा बिल्कुल बना दिया है, तीखा तीखा बना दिया भाई है, बहुत बढ़िया। और बटर डाल दिया है। और भाई हाथ चलाए जा रहे हैं दोनों 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 बाप बेटे हाथ चलाए जा रहे हैं इसको बनाने के लिए। क्या बात है, फुल स्पीड में दोनों का कंपटीशन चल रहा है कौन बढ़िया तरीके से बनाएगा। ये भी सही है। अच्छा है, अच्छा है। और भाई पूरा भाई तवे को पूरा घुमा दिया है और अच्छे से पूरा मिक्स कर दिया दोनों ने। ये अच्छा है, बाप बेटे मिलके प्रॉपर तवे में बना देते हैं छोले। ओहो, नाइसली डन। ये ना, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई हैव सीन एनीथिंग कि ऐसे इस तरीके से भाई कोई बना रहा हो। छोले निकाल के डाल दिए हमारे अजय भाई ने, और ये हो गए भाई छोले निकल गए। और हमारे कुलचे तो पहले बना ही दिए थे। तो भाई ना देखो, लास्ट में इसमें देखो प्याज डाल दिया। और छोले की मैं अगर बात करूँ ना, तो अच्छे से जो कहते हैं ना पका के, प्रॉपरली पका दिए इसको और मक्खन में ऐसे डाल के। और देखो इसमें अगर खुशबू बोलूँगा ना, तो बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही है टमाटर प्याज। और लास्ट में देखो हमारे छोटे भाई ने क्या डाल दिया, ये अचार डाल दिया, गाजर का अचार है ना भाई, गाजर का अचार भी डाल दिया। और ये बहुत ज़्यादा अच्छा सा हो गया। तो देखो बेटा आ गया था, पापा ने भाई इसमें मिर्ची का अचार डाल दिया। तो बेटे ने बोला गाजर का नहीं, पापा ने बोला मिर्ची का। तो सारे अचार डाल के पूरा मिक्स हो गए। अब हमारे कुलचे भी रेडी हो गए। तो कुलचे हमारे रेडी हो गए ना। कुलचे कहाँ पे है? कुलचे तो अभी रुक जाओ, इस पे एक चीज़ डालनी है। अच्छा, एक चीज़ डालनी है? क्या चीज़ डालनी है अब? क्या बात। अच्छा, तो थोड़े से प्याज और डाल देंगे, ये टेस्टी और हो जाएगा, है ना। ये बात, अब बहुत ज़्यादा ही बढ़िया हो गया। छोले हमारे ये रहे, कुलचे हमारे बन गए, पूरा प्रॉपर रेडी हो गया, बहुत टेस्टी। बटर इसमें लगा रखा है अलग से और ये बहुत टेस्टी है। तो इसको एक हल्का सा पहले मैं थोड़ा सा तोड़ लेता हूँ। और यहाँ पे भाई देखो, तोड़ के छोले का मैंने लगा दिया है। और छोले की अगर मैं बात करूँ ना, तो प्रॉपर देखो इसमें अलग से सारी चीज़ें प्रॉपर डाली हुई है। देखो टमाटर आपको दिख रहा होगा, छोले दिख रहे हैं, हरा धनिया दिख रहा है, तो सारा आइटम प्रॉपरली दिख रहा है। तो एक बाइट लेते हैं और लगा के बताते हैं कि टेस्ट कैसा है। वैसे भाई हमारे कह रहे हैं कि भाई पूरा वीआईपी वाला आइटम मिल जाता है, वीआईपी टाइप शाही पनीर, बहुत भी अलग अलग आइटम छोले कुलचे के अलावा भी है, शाही पनीर है, मलाई कोफ्ता है, कड़ी पकौड़ा है, सारे बाकी आइटम भी मिल जाते हैं, दाल मखनी, शाही पकौड़ा, जो भी चीज़ें हैं वो सब मिल जाती है। तो इसको एक बाइट लेके बताते हैं कैसा है। बढ़िया बना रखा है, मतलब जनरली हमने छोले कुलचे खाए ना, देखो मेरे को एक यूनिक जो छोले कुलचे लगे थे ना, वो थे मालवा नगर में, क्योंकि उनके कोफ्ते वाले छोले कुलचे थे। और अगर इनकी बात करूँ तो, क्योंकि इन्होंने अलग से तवे में पकाए हैं, और दोनों बाप बेटे का अगर आप कंपटीशन देख रहे थे ना कैसे बना रहे थे, बहुत बढ़िया तरीके से बना रहे थे, एकदम मस्त, एकदम प्रॉपर टेस्ट आ रहा है। तो देखो वीडियो अच्छी लगी तो भाई देखो, लोकेशन मैंने बता दी है, भाई हमारे यहाँ पे लगाते हैं अमर कॉलोनी मार्केट में, ठीक है, C1 के सामने। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने सारे दोस्तों के शेयर करके उनके साथ आ जाओ, और भाई के साथ और दोनों भाई मतलब बाप बेटे के साथ खाओ बढ़िया तरीके से, अच्छा सा छोले कुलचे। नहीं बेटा, वैसे हमारा बेटे पढ़ने जाता है स्कूल में, ऐसी बात नहीं, 5वीं क्लास में पढ़ने जाता, अभी लॉकडाउन लग गया है, चक्कर में अभी जा नहीं पा रहा है। अच्छा, मतलब जब भी अभी तो है तब तक खा लो, नहीं तो वैसे भैया खुद ही अपना बनाते हैं, सही है। तो हम ऐसा करते हैं भाई, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं करते हुए, टिल देन बाय, सी यू, टाटा, लव यू, कुछ अच्छा सा खाते रहेंगे। और लाइक कर देना अपने दोस्तों का, शेयर, और लाल रंग के बटन को दबा जरूर देना, ठीक है, मिलते हैं, बाय।